बोर्डिंग क्लास क्लास सेवन इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 76 एडिटिंग इन एमएस एक्सेल। जब भी आप कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यू चल रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यू हैव टू लर्न एंड राइट, ये आपको याद भी करने हैं और उतारने भी है। जैसे कि आपको पता है एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का एक ऐसा एक पार्ट है जिसमें आप दिए गए डाटा के ऊपर फॉर्मूला कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं अगर किसी भी अकाउंट ऑफिस में जो मेन काम होता है वह एमएस एक्सेल के माध्यम से ही होता है। क्वेश्चन नंबर जी, दिस सेक्शन कैन नॉट बी अंडर, यानी हम इस सेक्शन को नहीं कर सकते, होता है बोर्ड, यानी डिलीट शीट और इंसर्ट, यानी काम करते करते हम किसी भी डिलीट को मतलब शीट को डिलीट नहीं कर सकते या हम किसी भी शीट को इंसर्ट नहीं कर सकते। एच, दिस कमांड इज यूज टू रिवर्स लास्ट रिवर्स एक्शन परफॉर्म। इसका मतलब होता है अगर काम करते करते आपसे कोई गलत बटन दब गया या कुछ डिलीट हो गई तो विद द हेल्प ऑफ अंडू कमांड आप उसको पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं। आई, द डिफाइंड हाइट, ऐसे बात की है हाइट किसकी, हाइट ऑफ फ्रो की, वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 15 पॉइंट्स। एंड द डिफाइंड कॉलम विड्थ, जो विड्थ की जो सॉरी कॉलम की जो विड्थ यानी कॉलम की जो चौड़ाई है एमएस एक्सेल वर्कशीट में वह आपके चोजन पॉइंट तक की आपकी हो सकती है। आपको पता है जो एम एस एक्सेल की जो वर्कशीट है वो बनती है टेबल से, यानी रो और कॉलम से आपकी स्प्रेडशीट आपकी बनती है, जिसको पहले बोलते थे मल्टीप्लान, यानी स्प्रेडशीट से पहले उसका नाम क्या था, मल्टीप्लान, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रेडशीट। आई, ए स्प्रेड सॉरी ए प्री रिफाइंड सीरीज, वो कैसे हो सकती है आपकी कस्टम लिस्ट की तरह वो आपकी हो सकती है। और एल, दिस फीचर अलाउड टू एंटर प्रीडिफाइंड, आप इस फीचर की वजह से जो भी आपने काम किया है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है आपका ऑटो फिल। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ एमएस एक्सेल किसका पार्ट है, एमएस ऑफिस का पार्ट है जिसको यूएसए में तैयार किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा। ये सभी वर्क आपको अच्छे से याद भी करना है और उतारना भी है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।